देश में चुनावी प्रचार का माहौल हो और पाकिस्तान का जिक्र ना आए, ये भला कैसे मुमकिन है। और हम सब जानते हैं कि भारत में सत्ता यानी बीजेपी अक्सर विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास करती है। हाल ही में बीजेपी आंध्र प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट विष्णुवर्धन रेड्डी ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि यूपी के आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आठ मई को गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक भाषण में कहा कि वोट बैंक के लिए सपा वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये समाजवादी पार्टी, उनके लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अखिलेश, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके लोग वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते विधानसभा के अंदर। पंजाब केसरी सहित प्रोपेगेंडा आउटलेट ऑप इंडिया ने भी ऐसा ही दावा किया, लेकिन ये सच नहीं है। इस वीडियो के संदर्भ में हमें दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक साइकिल निशान जिंदाबाद को एडिट कर पाकिस्तान जिंदाबाद का वीडियो वायरल हो रहा था। यहाँ बता दें कि समाजवादी पार्टी का निशान साइकिल छाप है। ये वीडियो उस समय का है जब आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा विधायक अखिलेश यादव जनसभा कर रहे थे। हमने देखा कि आजमगढ़ के SP शैलेंद्र लाल ने 7 मई को इस मामले में जांच शुरू होने की बात की थी। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक आपत्तिजनक नारा लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। इसकी जांच इंस्पेक्टर मुबारकपुर और साइबर सेल को सौंपी गई है और टीम रवाना कर दी गई। जो आदमी नारा लगा रहा है उसको पूछताछ के लिए लाने के लिए और शीघ्र ही जो जाँच में पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कहाँ का है। पुलिस ये जानकारी करेगी वीडियो कब का है और ये ऐसा तो नहीं फेक वीडियो है और किसी दूसरे के का साउंड किसी दूसरे वीडियो मिक्स किया गया है। पुलिस इन सभी पहलुओं पे जांच करके नियमानुसार। हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा सरासर गलत है। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि लोगों ने असल में साइकिल निशान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसके अलावा हमने वीडियो के उस हिस्से को स्लो किया है जिसमें स्पष्ट रूप से साइकिल निशान जिंदाबाद के नारे सुने जा सकते हैं। कुल मिलाकर सपा नेताओं की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा गलत है और ये गलत दावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था।